हेलो गाइस, कैसे हैं सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोग को दिखा देता हूं अभी टाइम एग्जैक्टली 7:27 रात के। तो यार ये टाइम मैंने इसलिए बताया क्योंकि आज का व्लॉग जो है मैं रात को स्टार्ट कर रहा हूं। आज दिन भर ये मान सकते हो 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है यहाँ पर। तो आज है विश्वकर्मा, तो यहाँ पर विश्वकर्मा को दूसरे एक मतलब यहाँ पर जो लोकल के लोग हैं, हम लोग पहाड़ी लोग, तो वो लोग खतड़वा के नाम से भी इसको मनाते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि यार विश्वकर्मा का दिन है, तो आज जो लोहे और जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, जो कुछ भी गाड़ी या और कुछ भी आप ले लो, तो उन सब की पूजा होती है। जो हथियार वगैरह होते हैं या जो कुछ भी है लोहे के, उन लोगों की पूजा होती है आज। तो यार फिलहाल चलते हैं अभी किचन की ओर। और यार इससे पहले, सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा दूँ, ये है मक्के की घास। और वैसे इसको मक्के की डंठल बोलते हैं हम लोग, तो ये है ना, तो इसे डंठल बोला जाता है। और ये मक्का है, जिसे यार भुट्टा बोला जाता है, उसका छिलका है। और यार हुआ यूँ कि आज हम लोग रेस्ट में थे, क्योंकि 3-4-5 दिन से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, वो मैं आपको कंटिन्यूस दिखा ही रहा हूँ ब्लॉग के थ्रू। तो आज दिन भर बारिश थी, और ये जो है हम लोग तो आज रेस्ट में थे क्योंकि मैं और भाई सो रखे थे अंदर। तो मम्मी खेत में जाके फटाफट ये जो डंठल में बोल रहा हूँ ना आपको मक्के के, वो लेके आई। और ये इसका तो मैं अभी यूज़ आप लोगों को बताऊँगा कि क्या कुछ हो रहा है किचन में। तो फिलहाल अभी ले चलता हूँ आप लोगों को किचन की ओर। तो यार हाँ, चलते हैं किचन की ओर। यह है हमारी दीदी, इन्हें हम प्यार से बन्नी दीदी बोलते हैं। तो और मम्मी से तो मैंने मिला ही दिया था आपको। और यह है मेरा भैया, और उधर है मेरी बहन। तो जैसे कि बहन को तो मैं दिखा रहा हूँ, और यहाँ से देख सकते हो बारिश इतनी तेज हो रही है यहाँ पर कि पूरा लीकेज हो रहा है यहाँ पर। और साथ ही मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये मक्के आप देख सकते हो जो मैंने बाहर दिखाए थे ना आपको, इसके कल सुबह जो है रोटी बनेगी, इसकी मक्के दी रोटी बोलते हैं ना जो, तो वो बनने वाली है। और इसमें भी है, ये हो गया। तो यार ये देख सकते हो आप, ये उबले हुए मक्के हैं। वैसे हम लोग तो मक्का मक्का ही बोलते हैं यहाँ पर, वैसे भुट्टे जो बोलते हैं लोग, लेकिन फिर भी ये है कि इसमें नमक वमक मिला के खा सकते हैं। ये एक्चुअली क्या है कि ना, जिनके दांत वाँत नहीं है ना, तो वो उन लोगों के लिए अच्छा है। ये बहुत कोमल होता है। तो ये है, और थोड़ी बहुत सब्जी वब्जी है इसमें, बाकी चलते हैं अभी। भाई साहब जल्दी जाइए। और अभी सबसे पहले अब हम मैं जाने वाला हूँ, अभी रात हो रही है, और रात तो मैंने आप लोगों को बताई थी कि हो ही रही है। अरे कहना क्या चाहते हो? और टॉर्च लेके मैं जा रहा हूँ, और मैं अभी ककड़ी लेके आने वाला, यहाँ की पहाड़ी ककड़ी जो है। फिलहाल तो सबसे पहले टॉर्च उठा लेते हैं यहाँ से, और काफी अंधेरा है बाहर। तो यार ये रहा टॉर्च, और ये जली हमारी लाइट। तो अब चलते हैं आगे की ओर। आपको दिख रहा है कितनी बारिश हुई है यहाँ पर, ये पूरा पानी बह रहा है अभी भी, और मौसम पूरा अभी भी भरा पड़ा है, बारिश होने वाली बहुत खतरनाक। तो यार फिलहाल तो तेंदुए का भी आतंक है यहाँ पर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क ले लेते हैं। अरे वाह यार, ये तो डायरेक्ट मिल गया भाई, तो इसको तोड़ लेते हैं हम। अल्लाह, अबे टूट नहीं रहा भाई। यस आ गया। तो यार बाकी पहले चेक कर लेते हैं भाई, कहीं तेंदुआ तो नहीं है। अब चलते हैं वापस। तो यार फिलहाल तो आपने देखा है कि मैं अभी ककड़ी लेके आ चुका हूँ, और ये बनी थी हमारी जो है फर्स्ट क्लास, यहाँ पर जो है नमक पीस रही हैं।
हरी मिर्ची जो होता है ना वो, और सिलबट्टे का जो मिर्ची है ना वो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, पहले वाली पिछली वीडियोस में है। तो अब कोई बात नहीं, अब धनिया नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं। अभी रात का टाइम है, अभी अभी क्योंकि यार बारिश हो रही थी दबा के, इसलिए कहीं आना जाना हो नहीं पाया। लाइट चली गई। ये अच्छी कॉमेडी हुई यार हमारे साथ। वो ये वाह, अबे ये वो तो चलो, यहाँ पर मुझे पता था टॉर्च कहाँ पर है करके। लाइट को भी अभी जानी थी, जब पता है कि वीडियो बन रही है। मिक्सी को भी फेल कर दिया हाँ, फिर मिक्सी को तो फेल कर ही दिया सारा। मिक्सी में कहाँ मजा है इतना, जो ये जो सिलबट्टे का जो पिसा हुआ है ना, इसका तो मजा ही कुछ और है। तो यार फिलहाल तो देख सकते हो, ककड़ी जो मैं लेके आया था उसको इस तरह से इसमें कट मारा जाता है, और ये जो झाग निकलता है ना, अब कभी करके दिखाऊंगा मैं आपको एग्जैक्टली। हाँ, टीका टाइप का लगा देते ना इसको, पेट में चिपकाते थे, तो वो करके दिखाएंगे कभी क्या आपको। होता है कहते थे। तो ये जो है ना कड़वा कड़वा भाग होता है, तो इसलिए ये जो कड़वापन होता है वो निकल जाता है। तो यार खतड़वा के दिन की बात करें तो इसी तरह से हम लोग खाते हैं आज के दिन, जो ककड़ी होती है उसको। और ये कैसे होता था वो एग्जैक्टली मैं दिखाना चाह रहा था आप लोगों को, लेकिन क्या करें आज मौका नहीं बन पाया। तो नेक्स्ट ईयर अब जरूर खतड़वा हम मनाएंगे बहुत अच्छी तरह से। यार ये सच गया हमारा, देख सकते हो आप। और मुंह में तो 100% मैं कह सकता हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ, पानी आ गया होगा आप लोग के मुंह में, क्योंकि मुझे ऐसा हो रहा कि फटाफट इसको खा लूँ बस, क्योंकि हरी चटनी है हमारे पास और ककड़ी है। तो यार आप लोग को हमारा डाइनिंग टेबल दिखा देता हूँ मैं, और पहाड़ों पे ना 99% आप लोग को मिलेंगे जो ऐसे ही हम लोग बैठ के यहाँ पर देख सकते हो, सब लोग इस तरह से खाते हैं। तो 1% लोग होंगे जो टेबल या फिर कुर्सी में बैठ के खाते होंगे। तो हमारा डाइनिंग टेबल यही है, और यह है हमारी कुर्सी, ये देख सकते हो। इसे बोला जाता है यहाँ पर, वैसे हम लोग पटला भी बोलते हैं, पिरका भी बोलते हैं, तो दो तीन नाम है इसके। तो इस तरह से हम लोग खाना खाते हैं यहाँ पर। तो यार ककड़ी की बात करूँ तो मतलब कान के पर्दे हमारे खुल गए हैं अभी, बनी दी ने ऐसा चटनी पीसा है कि मतलब क्या बताएं आप लोगों को। आप खाओगे तो वैसे तो आपके मुंह में पानी आ ही रहा होगा, मुझे और खाए 100% भी विश्वास है। तो सभी लोग खा रहे हैं अभी हम लोग, चटनी पूछी बार खा रहा हूँ मैं, ये चटनी के साथ बहुत गजब हो रहा है। कल रात को ऐसी बारिश हो रही थी बनी दी, तेज हो रही थी ना कि बहन क्या करना। बता तो दूँ। यार कल रात को इतनी तेज बारिश हो रही थी, मैं मेरी नींद दो तीन बार खुली, और जब भी खुल रही थी तो मूसलाधार बारिश बोलते हैं ना जो यहाँ पर, जो लगातार बहुत तेज होती है बारिश, तो उतनी तेज ही बारिश हो रही थी यहाँ पर। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार, क्योंकि दो तीन दिन हो गए लगातार बारिश यहाँ पर गिरते हुए, ये डर लग रहा था कि रात को कहीं बादल ना फट जाए, क्योंकि दो बार यहाँ पर बादल फट चुका है, तो इतनी तेज बारिश हो रही थी। तो इसको तो देख सकते हो आप, ये चीनी ढूंढने लग गया, क्योंकि हरी मिर्ची जो है इतनी गजब हो रही थी, इतनी तेज, मतलब मजा आ गया। हम लोग तो बहुत तेज मिर्ची खाते हैं यहाँ पर, तो चीनी की जरूरत पड़ने लग गई। अब बन्नी दी अपने वहां से मड़वे की रोटी लेके आई है, देख सकते हो आप, इस तरह की होती है, बहुत हेल्थी होती है खाने में। सो गाइज, ककड़ी हम लोगों ने खा ली है, अब टाइम है डिनर का। तो यार डिनर विनर करते हैं हम लोग, और फिर मिलते हैं आपसे डायरेक्ट कल सुबह। तो अभी के लिए गुड नाइट, सब लोग बोल दो भाई, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।
तो यार सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यह है हमारी पूरब की साइड और सूर्यदेव भी आ चुके हैं अभी, और पूरा जो मौसम है वो थोड़ा बहुत साफ हो रखा है, तो बादल भी हैं अभी। और साथ ही मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये लेफ्ट साइड में हमारा एक झरना है, तो वहाँ से काफ़ी आवाज़ आ रही है क्योंकि थोड़ी हाइट पे है, तो बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी 3-4 दिन से, इसलिए वो झरने की आवाज़ आती है। और यहाँ से दिख रहा है, बहुत छोटा सा दिख रहा है कि दूध की धार की तरह, जैसे दूध होता है ना सफ़ेद, तो वो ऊपर से गिर रहा है इस टाइप से। और साथ ही मौसम देख सकते हो आप, हल्के हल्के बादल हैं। और सबसे प्यारा व्यू जो आता है ये वाला है, और इसमें आप देख सकते हो इसको यार, ये जो काफ़ी कोहरा आया हुआ है, इसको हॉला हॉल भी बोलते हैं यहाँ पर, कोई हॉला बोलता है, कोई हॉल बोलता है। तो यहाँ से व्यू बहुत तगड़ा है, और ये ऊपर पूरा हमारा गांव है, थोड़ा कम दिखता है यहाँ से, तो कुछ इस तरह का है नज़ारा आज का। सबसे पहले तो आप सभी को सुबह की राम राम गाइस और गुड मॉर्निंग अंग्रेजों को। तो यार आज और दिन के हिसाब से मैं आधा घंटा पहले उठ चुका हूँ, क्योंकि सुबह सुबह हुआ यूँ कि सो रखा था मैं, और मम्मी आई और मम्मी बोलती हैं कि नीरज उठ जा, वीडियो बनानी है तेरे को। तो क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को कल रात को वादा किया था कि आप लोग को जो है मक्के दी रोटी का स्वाद चखाना है, तो इसीलिए मैं आज जल्दी उठाऊँ। तो यार वो गाना तो आप लोगों ने सुना ही है कि मैं पानी पानी हो गई, तो पूरा पानी पानी हो गया यहाँ पर। और एक दो वीडियोस आई थी मेरे पास रुद्रपुर की और शायद लखनऊ की, तो एक ही दिन की बारिश ने वहाँ पर बहुत ही गंदा सीन कर दिया है। तो यार यहाँ पर ज़रा यह है कि यह पहाड़ है, तो स्लोप में वो पानी जो है नीचे चले जाता है, लेकिन थोड़ा सा डर रहता ही है यार यहाँ पर भी, क्योंकि बादल फटने का तो सबसे बड़ा डर है ना। तो यार फिलहाल मैं अभी अपने किचन में आ चुका हूँ छत से, तो आप लोगों को अभी दिखाता हूँ कि मम्मी क्या काम कर रही है यहाँ पर। तो ये देख सकते हो, ये है मक्की दी रोटी को पीसा जा रहा है। तो यार ये पीसने को हम जो है मिक्सी में भी पीस सकते थे, लेकिन जो ना ये इसका मज़ा है ना, इसका जो स्वाद है ना, वो आप लोगों को देखने को कहीं नहीं मिलेगा। तो इतना पीस चुके हैं अभी, इतना ये पीस ही रहे हैं, और यहाँ पर ये इतना बाकी है अभी। तो यार आप देख सकते हो, अब मिक्स करने का टाइम आ चुका है, और ये है घी, घर के गाय का घी है प्योर एकदम। ये जी आ गया सरसों का तेल, अब तुम ही कहोगे हैं क्या 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 डालते हैं, क्या क्या करते हैं करते बना। क्या तो यार मेरी मम्मी को बढ़िया जरा हिंदी थोड़ी कम आती है, तो नेपाली में ही ये बोलेंगे और मैं आटा वो कर डालते हैं थोड़ी सा, और अच्छा क्या क्या कहते हैं कहते हैं थोड़ा सा चीनी जो मीठा खाते हैं जो, और नहीं तो नमकीन वाला भी नहीं, बनता है इनको तो शुगर है ना, इसलिए डालोगे नहीं डालोगे इसमें। क्या चीनी। हाँ हाँ मैं थोड़ी अच्छा, खाती हूँ तो तो तुम नहीं खाओगे तो फिर क्या फायदा। या थोड़ा सा आटा डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं पहले, थोड़ी पानी थोड़ा आटा। ये आ गई अपनी चीनी, डाल भी थोड़ा सकते सा हैं डाल भी सकते हैं, चीनी। मतलब स्वाद बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा मीठा हो जाएगा, मतलब अच्छा हो जाएगा, तो इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। यार मम्मी को ट्रेन करना पड़ेगा, लग रहा है मुझे माइक लेके पूरा वीडियो बनाने का ना। सबसे पहले तो आप लोगों ने देखा कि यार सरसों जो ये घी और सरसों का तेल था वो मिक्स करके हम लोगों ने डाल दिया है।
सर अभी हुआ यूँ कि जो कैमरा है ना मेरा, कैमरे का लेंस, तो उसमें इसके छींटे आ गए थे। मैं बोलूँ यार ये धुंधला धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, हो गया हो गया। तो यार खुशबू तो बड़ी गजब की आनी स्टार्ट हो गई यार। इसको ना वही जैसे पराठे वो करते हैं ना सेकते हैं, उसी तरह से सेका जाता है इसको। लेकिन होता यह है कि ये टूट जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से बहुत तरीके से इसको बनाना पड़ता है। तो यार फिलहाल अब टाइम हो चुका है सुबह के नाश्ते का, और जैसे कि मैंने आप लोगों बताया कि आज मक्के की रोटी है, तो स्पेशल चीज़ है, तो ये है रेडी, और करते हैं इसको टेस्ट ज़रा। तो गाइस काफ़ी टेस्टी है, और जैसे बोलते हैं ना कि यार मक्के की रोटी और सरसों का साग, तो यार मुझे जो है ना मक्के की रोटी जो है वो वैसे ही खाने का अच्छा लगता है, मतलब इसके साथ कुछ सब्जी वब्जी मुझे पसंद नहीं है, तो ऐसे ही मुझे बहुत सही लगता है, क्योंकि टेस्ट जो है पूरा प्रॉपर पता चलता है कि कैसा टेस्ट हो रहा है। तो यार नाश्ता कर लिया मैंने फटाफट, क्योंकि काम ज़्यादा है और वीडियो को एंड करने का टाइम अभी आ चुका है। उससे पहले मिस्त्री साहब पहुंच चुके हैं यहाँ पर, तो उनसे हेलो हाय कर लेते हैं। ओहो दादी, ओहो दादी, अच्छा कि हेलो हाल खबर ठीक कर दे बे, रेस्ट कर दे। सो गाइज अभी अब काम करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।